और आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता के घर पर हमले की खबर आ रही है। 10 युवकों ने नेता के घर पर हमला बोला है। बीजेपी नेता सूरज पांडे के घर पर यह हमला हुआ है, इस वक्त जानकारी आ रही है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। थाना शाहगंज के सुलहकुल नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। सीसीटीवी में ये करतूत कैद हो गई है। थाना शाहगंज के सुलहकुल नगर का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है। कामरान जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी खबर पर, हमारे संवाददाता कामरान, क्या है ये पूरा मामला और किस पर शक? दरअसल ये पूरा मामला थाना शाहगंज मारुति स्ट्रीट सुलहकुल नगर का है, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने भाजपा युवा मोर्चा के नेता के साथ मारपीट की और अभद्रता की। वही पूरा मामला जो है सीसीटीवी में कैद हो गया। वही क्षेत्र के लोगों ने जब उनको पकड़ा और मदद से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूबे की जो कानून व्यवस्था है, जहां पर जो सूबे की सियासत है, जो कानून व्यवस्था की बात कही जा रही है, तो वही जो सरकार तमाम सारे वादे करती है सुरक्षा को लेकर, लेकिन इस तरह से भाजपा नेताओं पर ही हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था की पोल खोलता नजर आता है। अभी कोई कार्रवाई इसमें हुई है? क्योंकि जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, क्या पहचान हो पाई है हमलावरों की? दरअसल मामला जो है सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन जो सीसीटीवी में जो तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमें 8 से 10 युवक जो है मारपीट करते दिखाई नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर जब अभी तक पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, वो सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। तो 8-10 लोग जो हैं वो हमला करने के लिए आए थे, 2 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की जो गिरफ्तारी है वो जल्द ही होगी, ये कहना है पुलिस का। क्या कोई सियासी पहलू भी इसमें हो सकता है कामरान? जी देखिए, जहां तक अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जो नजर आया है, वो किसी तरह का कोई विवाद 2 दिन पहले इनका हुआ था किसी बात को लेकर, तो आशंका जता रही है पुलिस की वो दुश्मनी को लेकर या कोई रंजिश को लेकर जो पूरी जो घटना हुई है, लेकिन अभी कोई सियासी पहलू जो है कि अभी तक हमने नहीं आ पाया है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।